अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स फंक्शन देखा, उसके बाद लिनियर मैपिंग देखी और ट्रांसलेशन देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने रोटेशन के बारे में डिस्कशन की। आज हम थर्ड लेक्चर में मैग्नीफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन जो है, यानी कि इस तरह का जो हमारे पास फंक्शन होगा ना, यानी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जी कोई भी एक फंक्शन जी था, ठीक है, लेकिन इसमें हमने चेंजिंग कर दी और हमने एक और फंक्शन बना दिया एम ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी, ठीक है, ए जी। और यहाँ पे ए जो है हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन हो गई है, ठीक है। एफ ऑफ जी एक फंक्शन था जी, उसके साथ कोई हम पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद पढ़ लेते हैं। कहते हैं हेयर ए इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर, ए कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो ये बात गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव रियल नंबर कहा जा रहा है और हर पॉजिटिव रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए था हेयर ए इज़ अ प्योर रियल नंबर, ठीक है, इज़ अ रियल नंबर, ये लिखना चाहिए था पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्योंकि दुनिया का हर एक नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये लाइन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ठीक है। एंड वी नाउ डैट, हम जानते हैं ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हमें ये नहीं पता होता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। सो अगर ए कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, देन वी कैन नॉट से आइदर ए, यानी कि अगर ए कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता तो हम ये नहीं थे कह सकते ए ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या ए लेस दैन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर प्रॉपर्टी की बात की गई है ना, ये इन जनरल होल्ड नहीं करती। वगैरह आप कहेंगे कि हर रियल नंबर तो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो रियल नंबर में तो ऑर्डरिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग होती है। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है ना, वी नाउ डैट ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब है कि तमाम कम्प्लेक्स नंबर इन जनरल बात कर रहे हैं, एटा वाले में ऑर्डरिंग नहीं होती, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखें कि एम ऑफ जी हमारे पास ए जी के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा ए, ठीक है, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है। अगर सिंपल आर लिखना है तो ये साथ कंडीशन लगाएंगे, अगर इस तरह लिखेंगे तो ये पूरा मायने जो है यही चीज़ बता देगी। अब यहाँ पे देखें कि अगर किसी भी रियल नंबर का, अगर हाँ किसी भी रियल नंबर का फ़र्ज़ किया इसको ए का नाम दिया है, उसका मोड लें पॉजिटिव रियल नंबर का, तो आंसर वही आ जाता है, ठीक है। और अब इसको हमने क्या मानना है, इसको अब हमने मानना है क्या कि ए प्लस ज़ीरो एटा इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो पोलर फॉर्म के लिए रो ई की पावर एटा थीटा आ जाता है या फाई आ जाता है, तो फाई की जगह पे हमारे पास एंगल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, रो बच जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए आई है। और इसको हम क्या कहेंगे, उसका मॉडुलस वैल्यू, ये हमारे पास ए की मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, रो आई है ए। आर्गुमेंट कितना आया, ज़ीरो है हमारे पास, आर्गुमेंट इसका कितना है, ज़ीरो। तो ये हमारे पास कितना आ गया, क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास होता है टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो ओवर ए, तो आंसर कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स ज़ीरो, टैन इनवर्स ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस वजह से ज़ीरो आ गया, ठीक है, कोई भी रेफरेंस एंगल नहीं होगा, तो इसका ये आर्गुमेंट हमने ज़ीरो लिख दिया था। तो अब हमें पता है क्या कि एम ऑफ जी हमारे पास इक्वल है किसके, ए मल्टीप्लाई बाई जी। तो ए जो है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, रो लिख देंगे, ठीक है, ए की जगह रो, और जी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे एक्स प्लस योटा वाई लिख दें, ठीक है। एक्स प्लस योटा वाई को पोलर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर कोश थीटा प्लस आर योटा साइन थीटा आ जाएगा। इसको अगर हम इन दोनों में से आर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर इन दोनों में से आर कॉमन ले लें तो बन जाएगा आर कोश थीटा प्लस योटा साइन थीटा, और ये हमारे पास बन जाएगा आर रो आर, और ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एटा थीटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर एटा थीटा। अब रो की वैल्यू कितनी हुआ करेगी, रो की वैल्यू हमारे पास वन हुआ करे, रो की वैल्यू हमारे पास ए हुआ करेगी, ठीक है, रो की वैल्यू हमारे पास कितनी हुआ करेगी, ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम ऑफ जी इज इक्वल टू ए आर ई की पावर एटा थीटा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी उसका इतने टाइम्स ये हमारे पास एम ऑफ जी आ जाए करेगा, ठीक है। एग्जांपल जब आएंगे तो वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। अब अगर ए तो है,
ग्रेटर देन वन, अगर ए जो है वो वन से बड़ा होगा ठीक है, तो फिर ये चीज़ मैग्नीफाई हो जाएगी, ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो जाएगी। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द आर्गूमेंट ऑफ एम जी रिमेन सेम, आर्गूमेंट सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शेप ऑफ आल्सो रिमेन सेम और ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम रहेगी, लेकिन इसका साइज चेंज होगा। शेप शेप भी सेम रहेगी, और यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ ना, फ़र्ज किया ये हमारे पास एक डब्बा है जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये डब्बा जो है ये यही, यानी कि डब्बे की शेप वही रही है लेकिन ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो ये ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये डब्बा था तो डब्बा ही रहा है, लेकिन क्या हुआ है, इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बट द साइज़ ऑफ द डोमेन इज़ इंक्रीज्ड आर डिक्रीज्ड, या इंक्रीज़ कर सकता है या इस तरह हो सकता है कि ये डिक्रीज़ कर जाए। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस पे डिपेंड करेगा, वो ए की वैल्यू पे। अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर दैन वन है तो वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाया करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ए की वैल्यू ज़ीरो और वन के दरमियान है, क्योंकि ए को हमने पॉजिटिव रियल नंबर कहा है, पॉजिटिव रियल का मतलब, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ज़ीरो से बड़ा, ठीक है। तो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है ज़ीरो और वन के दरमियान हो सकता है वन से बड़ा हो, ठीक है ये। और अगर ए की वैल्यू वन होगी तो नो चेंजिंग आएगी, ठीक है। जब ए की वैल्यू वन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो बना हुआ है वही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आएंगी वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। जब एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगी उस वक्त अच्छे से समझ आएगी। तो ये लिखा हुआ है कि केस नंबर वन, अगर ए ग्रेटर देन वन हो तो देन द साइज ऑफ डोमेन इज़ मैग्नीफाइड, बड़ा हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन वन है तो जो होगा उसको हम मैग्नीफिकेशन कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन कहेंगे, ठीक है, मैग्नीफिकेशन सिंपली। और अगर ए इज़ इक्वल टू वन हो तो इसको कहेंगे नो चेंज, ठीक है। और अगर जो है वो ए वन से छोटा हो और ज़ीरो के दरमियान हो तो ये भी मैग्नीफिकेशन होती है, क्योंकि एट द एंड तो सारे हम मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें चीज़ छोटी हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये स्पेशल केस है। आगे एग्जांपल्स आ गई हैं तो एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखें, कहता फाइंड द इमेज ऑफ द क्लोज्ड डिस्क, क्लोज्ड डिस्क है जी लेस देन आर इक्वल टू वन, तो जी का मोड लेस देन आर इक्वल टू वन है। ये क्लोज डिस्क पहले हम बना लेते हैं, तो ये वहाँ पर वन, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी माइनस वन, तो ये दायरा इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह दायरा बन जाएगा ये वाली, इस तरह, यानी कि क्लोज डिस्क बन जाएगी, ठीक है। सर्कल अंदर से खाली होता है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज डिस्क है टू डिमेंशन में। अब ये हमारे पास क्लोज डिस्क आ गई, और हमें क्या लीनियर मैपिंग कौन सी दी गई है, लीनियर मैपिंग हमें दी गई है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू थ्री जी, ठीक है, थ्री जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जी के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो रियल नंबर है, ज़ीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन है, ये हमारे पास आ गई मैग्नीफिकेशन। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, इसको सोल्व करने के डिफरेंट वेज़ हैं, उनमें से जो हमने किया वो ये वाला है, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, देखें कि इसके पॉइंट्स पहले आप देख लें, ये पॉइंट कौन सा है, ये वन कोमा ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है, एक्स वन है, यहाँ पे एक्स माइनस वन है, वाई ज़ीरो है, यहाँ पे वाई वन है, एक्स ज़ीरो है, और यहाँ पे एक्स ज़ीरो है और वाई माइनस वन है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता है, देखें, थ्री जी है तो जी की वैल्यू पुट कर दे, जी की वैल्यू एक्स प्लस योटा वाई आएगी, ठीक है। तो थ्री, इसको मैं पॉइंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये बन गया थ्री एक्स कोमा थ्री वाई बन गया, ठीक है, थ्री एक्स थ्री वाई बन गया। अब ये जो एफ ऑफ जी लिखा है तो इसको भी मैं एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि जी का पहला पॉइंट एक्स होगा और दूसरा पॉइंट जो है वो वाई होगा। अब ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ज़ीरो और माइनस वन, ठीक है। तो यानी कि जो भी आप अपनी मर्ज़ी से पुट करें, ज़ीरो और माइनस वन पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो और माइनस थ्री बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँगा वन कोमा ज़ीरो, तो वन कोमा ज़ीरो पुट करूँगा तो ये थ्री कोमा ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँगा माइनस वन कोमा ज़ीरो, ठीक है, अब ये वाला पुट कर रहा हूँ माइनस वन कोमा ज़ीरो, तो ये हमारे पास माइनस थ्री कोमा ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँगा ज़ीरो कोमा वन, तो ये हमारे पास ज़ीरो कोमा प्लस थ्री बन जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर इसको देखें तो ज़ीरो कोमा माइनस थ्री कहाँ पर आएगा, यानी कि ये वाला आ गया ज़ीरो कोमा माइनस थ्री, थ्री कोमा ज़ीरो, ये थ्री कोमा ज़ीरो, ये ज़ीरो कोमा थ्री, ये वाला आ गया ज़ीरो कोमा थ्री, ठीक है।
और ये माइनस थ्री कोमा जीरो माइनस थ्री कोमा जीरो, इन सभी को आपस में मिला दें तो ये देखें जो हमारे पास सर्कल बनेगा, जिस तरह का भी सर्कल नहीं और क्लोज डिस्क बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास उस ऊपर वाली का तीन गुना होगी, ठीक है, यानी कि उसका तीन गुना है, जितनी वो है उतना अगर हम उसका तीन गुना ले लेना तो वो ये वाली बनेगी, ठीक है। एक गुना तो ये थी, दूसरा गुना ये, तो तीसरा गुना ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये उसकी तीन गुना थे। असल में हुआ क्या कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो गई, ये चीज़ बड़ी हो गई। बड़ी कैसे हुई, तीन गुना कैसे हुई, क्योंकि ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो थ्री वन से बड़ा था, रियल नंबर था, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इस वजह से, ठीक है। अब इसी को देखने के ना मुख्तलिफ और वेज हैं, वो नीचे बताया गया है। और ये देखें कि ये हमारे पास डब्ल्यू प्लेन था, और ये हमारे पास जी प्लेन था, ठीक है, और इसमें, और ये हमारे पास डब्ल्यू प्लेन, यानी कि डब्ल्यू प्लेन होता है, डब्ल्यू प्लेन होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं एफ ऑफ माइनस वन कोमा ज़ीरो, ये जो वैल्यूज़, ये डब्ल्यू की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये देखें आपके सामने सेकेंड वे आ जाएँ इसके, सेकेंड वे पे, ठीक है। सेकेंड वे ये है, सेकेंड ये वे ये है कि एफ ऑफ जी हमें दिया गया है थ्री जी, और साथ दिया गया है जी का मोड जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू वन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ये क्लोज डिस्क है, और अगर हम इसको देखना हो ना इसको, तो ये एक्स प्लस एटा वाई है, ठीक है, जी की जगह पे, और ये लेस देन एंड इक्वल टू वन है। और अगर इसका मोड ओपन करूँ तो क्या होता है, पहले वाले का स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट, और लेस देन आर इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन आर इक्वल टू वन, दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन आर इक्वल टू वन का स्केयर। तो ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा अगर इक्वल टू होता, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू है तो ये ओपन, ये क्लोज डिस्क बन गई इस तरह, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो क्या कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो चीज़ बनी है ना, अब ये इसको अगर हम देखें ना, तो ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली चीज़ ना सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि इसकी जगह पे यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इसका होगा ओरिजिन, ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन। यहाँ से भी देख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो का स्केयर लेस देन इक्वल टू वन का स्केयर लिखा हुआ है, तो ये जीरो कोमा जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे जीरो 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 है ना, ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका क्या सेंटर आ गया, इसका जीरो आ गया। हमें दिया गया था एफ ऑफ जी इज इक्वल टू थ्री जी, ये वाली चीज़ हमें दी गई थी, ठीक है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू थ्री जी। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मोड अप्लाई कर दिया और थ्री जी यहाँ भी मोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये भी हमें दिया गया था। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो मोड लादा लादा अप्लाई हो जाता है, ये लादा लादा थ्री थ्री का वैसे ही रहा, और ये जी का मोड। अब आपको ये भी पता है कि इन इक्वालिटी में हम, यानी कि अगर जी का मोड लेस देन आर इक्वल टू वन आ रहा ना, तो दोनों तरफ हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन इक्वालिटी सेम रहती है। तो मैंने दोनों तरफ थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह आ गई। तो अब ये वाली चीज़ लेस देन आर इक्वल टू थ्री के है, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा थ्री, ठीक है। तो एफ ऑफ जी का मोड के किससे लेस देन आ गया, थ्री से, ठीक है, एफ ऑफ जी का मोड किससे लेस देन आ गया, थ्री से। और ये हमारे पास यानी कि एक क्लोज डिस्क आएगी जो कि थ्री से छोटी रहेगी, तो ये फिर इस तरह आ जाएगा। और एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मोड, यानी कि लिख देना डब्ल्यू का मोड लेस देन इक्वल टू थ्री। अगर वहाँ पे जी का मोड लेस देन इक्वल टू वन था, यहाँ पे डब्ल्यू का मोड लेस देन इक्वल टू थ्री है, तो यानी कि ये इस तरह थ्री वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वे है इस चीज़ को देखने का, ठीक है, पहला एक्स वाई में हमने देखा, ठीक है, एक्स वाई वाला पुट करके, ये तीसरा दूसरा वे है हमारे पास। अब बाकी पॉइंट्स वगैरह आप बना लीजिएगा, और चलें जी अब हम चलते हैं, या इसको भी आप एक्सपेंड करके आगे इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे आप इसको लिखें, इसमें यू और वी होता है, एक साइड पे यू होता है एक साइड पे वी, तो आप इसको लिख सकते हैं यू प्लस एटा वी, इसका मोड लेस देन आर इक्वल टू थ्री, इसका बन जाएगा यू स्केयर प्लस वी स्केयर का स्केयर रूट लेस देन आर इक्वल टू थ्री, ये बन जाएगा यू स्केयर प्लस वी स्केयर लेस देन आर इक्वल टू थ्री का स्केयर, ठीक है। तो ये तीन रेडियस का इस तरह सर्कल बनेगा, इन इक्वालिटी है, तो इस वजह से अंदर भी सारा फिलअप हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह मर्जी आप इसको देख सकते हैं। अब थर्ड वे आ गया, इसको डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है, वी कैन से दिस मेथड डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब यह डायरेक्ट मेथड क्या है, ये है कि एफ ऑफ जी हमें दिया गया है, ये डायरेक्ट मेथड, अब इसको देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, हमें दिया गया है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू थ्री जी है, और साथ है कि जी का मोड लेस देन आर इक्वल टू वन है, ये हमें दिया गया है। हमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता है, मैग्नीफिकेशन होती है ए जी, ठीक है, ए जी होती है। अब हमें क्या पता है कि थ्री जो है ये
अगर ए जो है वो ग्रेटर देन वन हो तो फिर ये मैग्नीफाई होता है, ठीक है, और कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, बाय ए फैक्टर, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर, यहाँ पे लिखूँगा इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह तीर बना देता हूँ, इंक्रीज बाय फैक्टर 3, ठीक है, 3 फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास वो ये वाला आ रहा है, यानी कि इस तरह आ रहा है ओपन डिस्क, ठीक है, और क्लोज डिस्क इस तरह की आ रही है, तो इसको मैग्नीफाई करके 3 टाइम्स कितना बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, मैग्नीफाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो कहता है इमेज एज सेम एज अब जैसा कि ऊपर बनाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सही है, ग्रीन। एग्जाम्पल नंबर 3 है डेनी जीजल की बुक का, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल सी, आपने सर्कल की इमेज फाइंड करनी है बाय ये अंडर द लीनियर मैपिंग, ये लीनियर मैप दिया गया है, तो वही 3 तरीके इस पर लगा दें जो उनसा मर्जी, ठीक है। ये 2 हमें दिया गया है, 2 है तो इसका मतलब ये सर्कल होगा विद रेडियस 2, ठीक है, ये क्या होगा, एक सर्कल होगा विद रेडियस 2, ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया 2,0, ये बन जाएगा 0,2, ये बन जाएगा 0,-2, और ये बन जाएगा -2,0, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 3z, वही बात आप कर लें कि एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 3, इसकी जगह पे एक्स प्लस योटा वाई लिख दें, ठीक है, और वही बात एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 3x+3 योटा वाई कर लें, और ये इसकी जगह पे मैं एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ, और ये बन गया 3x,3y एज अ पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करके देख लें, सारे पॉइंट्स 0,2 पुट करूँगा पहले, एफ ऑफ 0,2 पुट करूँगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0,6 आ जाएगा, ठीक है, और 0,-2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0,-6 आ जाएगा, और 2,0 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6,0 आ जाएगा, एफ ऑफ -2,0 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, -6,0 आ जाएगा, और इसका ग्राफ क्या होगा वो अब पता नहीं नीचे से नज़र आ रहा है कि आपको, नहीं ये बड़ा सारा बन जाएगा ग्राफ, 6 तक जाएगा ये, ठीक है, वो ऊपर 2 वाला गया था, ये 6 तक, तो ये वाला बना हुआ है, ठीक है। बाकी सारे तरीके मैंने आपको ऊपर बताए हैं 3, तो बाकी आप इनको मज़ीद 2 तरीक़ों से देख सकते हैं करके, ठीक है। बाकी चलें जी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, 1 मिनट, इसको ना हम स्टार्टिंग पे ले जाएं, चलें जी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। कहता फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, ये लाइन हमें दी गई है वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी हमने इमेज फाइंड करनी है अंडर द लीनियर मैपिंग, ये हमें लीनियर मैपिंग दी गई है, तो पहले आप वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना ली, तो ये वाला बनेगा एक लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। चलें जी इसको 3 टाइम एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कितनी दफ़ा तो हमने इसको सोल्व किया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x,3y, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप पॉइंट्स लें, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, या सिंपली ये देखें कि इसका ना मैं दूसरा तरीका करवाता हूँ आपको, 1 मिनट, इसका दूसरा तरीका मैं करवाता हूँ आपको, ये देखें ये w का बराबर होता है, w इज इक्वल टू 3z आ गया, w किसके बराबर होता है, u प्लस एटा v के, और ये 3 ये x प्लस एटा y के, यहाँ से आ गया u प्लस एटा v इज इक्वल टू 3x+3y एटा आ गया। कंपेयरिंग करें तो u हमारे पास 3x आ गया रियल रियल के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो v आ गया 3y के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, अब यहाँ पर u और यहाँ पर आ जाएगा v, ये हमारे पास z प्लेन था और ये हमारे पास क्या है, W प्लेन है, ठीक है, W प्लेन है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, W प्लेन है, नाउ यूजिंग 3 एंड 4, 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दी गई है, 4 कौन सी है, अब ये देखें यहाँ से, ठीक है, U इज इक्वल टू 3x आ गया और V इज इक्वल टू 3y आ गया, u इज इक्वल टू 3x आ गया और v इज इक्वल टू 3y आ गया, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें ये गिवन है ऊपर y इज इक्वल टू x है, ओ ऊपर, ठीक है, ऊपर हमें गिवन है कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू x है, तो y की जगह पे हम x पुट कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, u इज इक्वल टू 3y, ठीक है, x की जगह हमने y पुट कर दिया, ये हमें गिवन थी स्टार्टिंग पे, ठीक है, यानी कि
ये देखे ना, ये वाली चीज़ गिवन थी ना, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, वी के इक्वल, तो यू इज़ इक्वल टू वी आ गया। यू इज़ इक्वल टू वी की लाइन बनाई, जिस तरह वाई इज़ इक्वल टू एक्स की ये वाली लाइन बनी, इसी तरह यू इज़ इक्वल टू वी की ये वाली लाइन बनेगी, यानी कि नाम ही चेंज है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये वाली लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। अगर आप इसको इसकी ये डब्ल्यू प्लेन में आई, अब दूसरा तरीका देख लें। दूसरा तरीका ये है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स की लाइन ये वाली थी, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो जितने टाइम भी, 3 टाइम्स भी करें, तो ये इसका इतना पोर्शन जो है ना, वो इसका इतना पोर्शन होगा, लेकिन एट द एंड लाइन तो इसी तरह की होगी ना, ठीक है। ये वाली चीज़ देखिए, ये बनाई हुई है उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड वे भी लिखा हुआ है, देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, डैनी जीजल की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है एज द इमेज ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आ गई है, चलें जी ट्राइंगल वाला भी कर लेता है। कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल वर्टिसेस कौन से है, जीरो, एक जीरो है, ये आ गया, एक कलर चेंज करके बताता हूँ। एक ये जीरो वाला आ गया, और एक हमारे पास वन वाला आ गया, और एक हमारे पास अयोटा वाला आ गया। अयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई जी, ये ट्राइंगल बन गए। और दोबारा एफ ऑफ जी हमें कौन सा दिया गया है, 3z दिया गया है। एफ ऑफ जी हमें 3z दिया गया है। वो दोबारा इसको लेके चलेंगे तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हमारे पास 3x 3y बन जाएगा। स्टार्टिंग से यही करते आए हैं, पॉइंट्स पुट करके देख लें। अब ये पॉइंट कौन सा है, 0.0 वाला, तो 0.0 वाला पॉइंट, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, 0.0। तो 0.0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0.0, यानी कि ओरिजिन यहाँ पर ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 1.0 वाला पॉइंट है। तो 1.0 में पुट करूँगा 1.0, तो ये 3.0 आ जाएगा, यानी कि ये 3.0, ये आ गया 3.0। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो पुट करके देखता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि एटा, यानी कि 1 नहीं ओटा ना, वाई वैल्यू 1। तो 0.1 आंसर कितना आ जाएगा, 0.3, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो 0.3 0.3 यहाँ पर कहीं आएगा, 0.3, ठीक है, जहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगी ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगी वो ये, और उसका 3 गुना होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह आ गई, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम, बाकी इसका सेकंड वेव वगैरह भी जो लिखा होगा आप बाकी तरीक़ों से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया तो फाइंड द इमेज ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की इमेज फाइंड करने है, कर लेते हैं जी। एक हमें 0 दिया गया है, ये 0.0 पॉइंट आ गया। आगे 1 दिया गया है, 1 का मतलब क्या है, 1.0 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमें एटा दिया गया है, यानी कि एटा का मतलब 0.1 आ गया। और एक हमें 1+8 यानी कि 1.1, ये हमारे पास एक स्क्वायर बनता है जी, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है जी। और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z हमें वही दिया गया है, तो यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z, तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ इज इक्वल टू 3x,3y बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ठीक है, यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। चलें जी वैल्यूज पुट करने लगे हैं। 0.0 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 0.0 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.0 ही आ जाएगा। एफ ऑफ 0.1 पुट करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। एफ ऑफ 1.0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1.0, 3.0 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1.1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा। ये पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा करें तो 0.0 ओरिजिन ही रह जाएगा, ठीक है, 0.0 ओरिजिन ही रह गया। 0.3 0.3 ये आ जाएगा, 0.3, और 3.0 यहाँ कहीं आ जाएगा, और 3.3 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आप ठीक से बनाइएगा ना तो सही बनेगा। ये 3 टाइम्स ऊपर वाले का बन गया, ऊपर वाले का 3 टाइम्स, ठीक है। ऊपर वाला बना तो नहीं वैसे, वो ऊपर वाला छोटा बना लीजिएगा, नीचे वाला फिर बड़ा, ठीक है, जगह मसला होता है। एट द एंड मैंने आपको कंसेप्ट समझाने हैं, ठीक है, तो आप उसको बना लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। इसको देखने के और भी वेज हैं, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सारा सारा उन्होंने बनाया हुआ है अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बस इन चीज़ों को। नोट क्या है कि इन द अबव क्वेश्चंस वी कैन डायरेक्टली से डैट, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली ये चीज़ें कह दी थी, ठीक है, इमेज ऑफ द डोमेन इंक्रीजिंग बाय द 3 टाइम्स, ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ना हम कंट्रैक्शन वाली भी ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल कंट्रैक्शन वाली भी। फ़र्ज़ किया है कि मैं कह देता हूँ कि यही सर्कल, यही था हमारे पास, यही था, लेकिन इसमें हम इसको उठा लेते हैं ना, यहाँ से इसको यहाँ से उठवा लेते हैं। चलें जी आ जा भाई साढ़े नाल, ये तेरा और भी काम है, ये लें जी, इसको हमने यहाँ से
उठा लिया, ठीक है। अब देखें, अब देखें यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z, नहीं है, इसको रहने दें और इसको भी रहने दें, मैं कहता हूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0.5z है, 0.5z है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0.5 का मतलब इशारिया ख़त्म किया ये आ जाएगा, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2z आ गया, ठीक है। अब ये जो था ना वो हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ कैसे होगा ये भी मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूँ। ये बन जाएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2z की जगह एक्स प्लस योटा वाई, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई, और ये आ जाएगा एक्स बाय टू कोमा वाई बाय टू। ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे 0,0 पुट करेंगे तो ये 0,0 ही आएगा, ठीक है। 0,1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0,1/2 आएगा, ठीक है। और 1,0 पुट करेंगे तो 0,1/2,0 आ जाएगा, और 1,1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2,1/2 आ जाएगा। अब इसकी डायग्राम हम बनाते हैं, जब इसकी डायग्राम बनेगी तो कौन सी बनेगी, ये वाली बन जाएगी। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा 1,2,0, ये 1/2, 1/2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1/2, और ये 0,0, ठीक है। ये यानी कि उसका आधा हो जाएगा, तो आधा बना तो नहीं है, आधा बना लीजिएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वही ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 1,1 है, और ये पॉइंट 0,1 है, ठीक है। और एफ ऑफ जी यहाँ पे ले लेते हैं 1 × z, ठीक है, 1 × z, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1 × x + y, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स कोमा वाई के, सारे पॉइंट्स पुट करें तो एफ ऑफ 0,1 की वैल्यू 0,1 ही आएगी, एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू 0,0 ही आएगी, एफ ऑफ 1,0 की वैल्यू एफ ऑफ 1,0 ही आएगी, और एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू 1,1 ही आएगी, यहाँ पे एफ नहीं आना। अब डायग्राम बनाए तो 0, ये 1 है, यही पॉइंट आ गया 0,0 पॉइंट, ये वाला है 1,0 पॉइंट, ये वाला है, ये 1,0 वाला पॉइंट था, ये 0,1 वाला पॉइंट है, और ये 1,1 वाला पॉइंट, तो देखे दोबारा वही बन गया। तो जब हमने ए की वैल्यू जो है, यानी कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन हमारे पास होती है ए जी, और ए क्या है, ए बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर में से, ठीक है। और ए अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको सिंपली मैग्नीफिकेशन ही समझा जाता है, मैग्नीफिकेशन ही, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होगी नो चेंज, और अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी तो इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।